फाखिर बेटा, कहाँ से आ रहे हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? यानी इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चाची, कुछ कागजात थे जो प्रिंट करवाने से, सोच ली गया था, थोड़ा सा रश था इसलिए लेट हो गया। फाखिर, बाहर जाने की तैयारियों में लगे? मैं तो तुम्हें गोदों में खिलाया बच्ची, चाचे की बात भी नहीं मानोगे तो? इस पर तो जिद सवार हो गई है, किसी की नहीं सुन रहा। एनी भी तो यहीं पर पढ़ रही है। अम्मा, अपनी मर्जी से पढ़ रही है वो। मैं भी अपनी मर्जी चाहता हूँ ना, मतलब आप लोग फिर वही चीजें कर रहे हैं बिना वजह की जबरदस्ती, ताकि हम उसी तरह पछताएं जिस तरह पहले पछताते आए। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो मैं पूरे करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए मुझे निकलना है। मां, किस तरह घुट घुट के मैं इस रिश्ते में जीऊँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो दोबारा मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ जहां पे रुकी थी। मां, पढ़ने जा रहा हूँ, जॉब करूंगा, करियर बनाऊंगा, प्लीज। भाभी, क्या कह रही है? इसको तो पहले पढ़ने जाना, बस ये वापस नहीं आएगा। एनी का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? आखिर रो क्यों रही हैं आप? मैं अनाया से उसका अब्बा नहीं छीन रहा हूँ, मैं एनी से उसका नाम नहीं छीन रहा हूँ, ना उसका शौहर छीन रहा हूँ। जॉब करूंगा, अखराजात उठा लूंगा इन लोगों के, और हो सका तो शायद बुला भी लूँ उन लोगों को। वहाँ तीनों से मैं वीडियो कॉल भी कर लिया करूंगा रोज, कोई इतना प्लीज जबरदस्ती दोबारा नहीं करें। जाने दें मुझे बाहर। अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूं, जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूं।